हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ई सर्विस पोर्टल से रिलेटेड जो इशू आ रहा है इस वक्त आप लोगों का, उसके बारे में। कल फाइनली मैंने बात किया 937 पे, कंटिन्यू 3 घंटे ट्राई करने के बाद मेरी उनसे बात हुई। आधे घंटे तक मैंने बात किया, जो जो आप लोगों के डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, मैंने वो सारा डिस्कस किया। क्या था उनका आंसर, मैं एक एक करके आप लोगों तक शेयर करूंगा। इस वक्त हर कोई चाह रहा है कि मैं क्वारंटाइन से बचूं और क्वारंटाइन से होने वाला जो खर्चा है उससे बचूं। और इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान रेसिडेंट लोग हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं और यहाँ से बाहर जाके वैक्सीन लगाए हैं, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो। जो लोग भी सऊदी अरबिया के बाहर फुल्ली डोज का वैक्सीन लगाए हैं, उनको पहले प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो वैक्सीन सही लिए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है अप्रूव कर रही है ई सर्विस पोर्टल में, वो अप्रूवल मिलने के बाद ही तवक्कलनामे इम्यून हो रहा है। ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए है जो यहाँ पे काम करते हैं, जिनके पास इकामा है। एक डाउट काफ़ी लोगों में चल रहा है कि एक डोज उन्होंने यहाँ पे फाइज़र का लिया है या फिर एस्ट्राजेनिका का ही लिया है, फिर वो छुट्टी चले गए, वहाँ पर सेकेंड डोज में कोविशील्ड लगा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ही अनाउंस किया था कि मिक्स करके भी आप सेकेंड डोज का वैक्सीन लगा सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, सऊदी अरबिया में वो वैक्सीन अप्रूव्ड होना चाहिए, और कोविशील्ड वैक्सीन सऊदी अरब में अप्रूव्ड है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं वो सारे इशूज़ के बारे में जो आप लोगों को इस वक्त हो रहा है। काफ़ी लोगों का 7 दिन 10 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने ई सर्विस पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड तो कर दिया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। रिजेक्ट हुआ या फिर एक्सेप्ट हुआ, इसका कोई भी नोटिफिकेशन उनको नहीं मिला। ये इशू इस वक्त काफ़ी लोगों को आ रहा है। कुछ लोगों ने मेल्स किए हैं, मेल्स का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। 10 दिन से ऊपर हो गया, कोई रिप्लाई नहीं। कुछ लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट तो हो गया, लेकिन तवक्कलनामे इम्यून अपडेट नहीं हो रहा। तो ये सारा इशू आ रहा है इस वक्त लोगों को। और इस वक्त रूमर्स भी चल रहा, आप लोगों ने एक रूमर्स सुना होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इकामा और वीज़ा 31 अगस्त तक एक्सटेंड नहीं होने के वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तरफ से, इसलिए डिले हो रहा। दोस्तों, ये सरासर गलत है, इलॉजिकल बात है, क्योंकि मैं आप लोग को बताता हूँ, मेरे 3 फ्रेंड का सेम इशू है। एक दोस्त मेरा कतर में है इस वक्त, सऊदी अरबिया 12 तारीख को आएंगे। एक मेरा दोस्त मालदीप में है, वो भी सऊदी अरबिया आएंगे। और एक दोस्त मेरा इंडिया में है। तीनों का इकामा वीज़ा वैलिड है, एक्सपायर्ड नहीं है, फिर भी उनको सेम इशू आ रहा। आप लोग में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका इकामा वैलिड होगा, वीज़ा भी वैलिड होगा, फिर भी आपको इस तरह का इशू आ रहा होगा। रीज़न ये है दोस्तों, कल जब मैंने बात किया 937 पे, उनका कहना ये है कि सर, इस वक्त हमारे पास लाखों रिक्वेस्ट आ रहे हैं जिसको रिव्यू करने में टाइम लग रहा, पहले इतना रिक्वेस्ट नहीं आता था। रीज़न क्या है अभी अचानक से ज़्यादा रिक्वेस्ट आने का? आप लोग को मालूम ही होगा, 1 सप्ताह पहले 937 पे कॉल करने का एरर जितने भी लोगों को आ रहा था, जिनको 3rd अटैम्प्ट के बाद ब्लॉक कर दिया गया था, ई सर्विस पोर्टल पे ऑप्शन नहीं मिल रहा था अपलोड करने का, ये सारा ब्लॉक जो है हटा दिया गया। हटाने के बाद वो सारे लोगों ने फिर से अपलोड कर दिया अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट। इसके अलावा सेकेंड डोज काफ़ी लोग इस वक्त कंप्लीट कर रहे हैं, सेकेंड डोज कंप्लीट करके वो भी अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को अपलोड कर रहे हैं। सिर्फ यही रीज़न है कि इस वक्त लाखों लोग एक साथ में ई सर्विस पोर्टल में अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं और रिव्यू करने में टाइम लग रहा, क्योंकि मेन पावर का वहाँ पर कमी है। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो, जब आप कॉल करते हैं, कॉल का आपको रिप्लाई 1 घंटा 2 घंटा के बाद मिलता है। कस्टमर केयर में कभी भी कोई भी हेल्पलाइन नंबर में आप कॉल करते हैं ना, तो आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलता है। मैं एयरटेल में काम करता था पहले, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। हमें अगर कस्टमर को आंसर करने में 1 मिनट भी लेट होता था ना, तो काफ़ी सुनाया जाता था हमारे क्लाइंट की तरफ से, क्योंकि इससे हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब होता है। हमें बोला जाता था कि कस्टमर को वेट ना करना पड़े, जितना जल्दी हो उनको रिस्पॉन्स करिए। अब आप खुद सोचो, हम लोग जब कॉल करते हैं ई सर्विस पोर्टल से, इशू से रिलेटेड MOH का हेल्पलाइन नंबर में, तो कितना टाइम बर्बाद करते हैं। बैलेंस तो बर्बाद होता ही है,
समय भी बर्बाद होता है, इससे एक बैड इम्प्रेशन बनता है। तो ये सारा इशू ना हो इसके लिए ज़रूरत है ज़्यादा मैन पावर रहे, और वहाँ पे ज़्यादा मैन पावर ना होने की वजह से आपको लेट रिस्पॉन्स मिलता है। तो जितने भी लोगों का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, सिर्फ एक ही रीज़न है कि इस वक्त ज़्यादा वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है ई सर्विस पोर्टल में, और रिव्यू करने के लिए उनका जो टीम है वो टाइम ले रहे हैं, उनके तरफ से ही डिले है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपका इकामा एक्सटेंड नहीं हुआ या वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, इसके वजह से हो रहा है। आप अगर चाहें तो आप 937 कॉल करके कन्फर्म हो सकते हैं। अब घुमा फिरा के फिर से लोग मुझसे यही सवाल करेंगे कि मेरा 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा, तो मेरा कब तक होगा? तो मेरे भाई, मैं आप लोग को बता दूँ कि कोई भी आपको एक फिक्स टाइम नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता, ना ही 937 वाले बता रहे हैं। कल मैंने मेरे फ्रेंड का इकामा नंबर दे के पूछा कि वो 12 तारीख को सऊदी अरबी आएंगे, एक हफ्ता से ज़्यादा टाइम हो गया है अपलोड किए हुए, अभी तक आप लोगों ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करा है, जबकि पोर्टल में साफ लिखा हुआ है कि 5 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो जा रहा। तो इस पर उनका साफ कहना था, सर इस वक्त रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रहा, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, बट क्या करें, इतने लोगों का एक साथ में वैक्सीन सर्टिफिकेट आ रहा है कि हम लोग 5 दिन में रिव्यू ही नहीं कर पा रहे। तो जब मैंने पूछा कि वो बंदा तो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, 12 तारीख तक इनकेस अगर नहीं होता है तो सऊदी अरबिया जब वो आएंगे तो क्या उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, क्योंकि मुकीम में उनको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा वैक्सीनेटेड रेसिडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये इशू सिर्फ रेसिडेंट के लिए है, वो लोग वैक्सीन लेने के बाद भी ई सर्विस पोर्टल में वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, एक्सेप्ट होगा तभी मुकीम में वैक्सीनेटेड रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिलेगा। सेम चीज़ विजिटर्स के लिए नहीं है, अगर कोई भी विजिटर्स वैक्सीनेटेड है वो आएंगे, उनको कहीं से भी अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं है, वो सीधा मुकीम पे रजिस्ट्रेशन करेंगे वैक्सीनेटेड विजिटर्स, और वो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर के आएंगे, उनका काम हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रेसिडेंट के लिए आ गया है कि वो पहले अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट के अप्रूवल लें, तब जाके क्वारंटाइन से बचे। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तरफ से एक्सेप्ट होने का कोई आपको मैसेज नहीं मिलता है, तवक्कलना इम्यून नहीं होता है, तो फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद आपको क्वारंटाइन का पैकेज लेना पड़ेगा, आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, जो कि सरासर गलत होगा। दोस्तों, अगर 100 बातों की एक बात मैं कहूँ आप लोगों से, जितने भी लोगों का डिले हो रहा इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, ना आप कुछ कर सकते, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कुछ करेगी, जब तक वो लोग रिव्यू नहीं करेंगे तब तक इस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिन लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होने के बाद भी तवक्कलना में इम्यून शो नहीं कर रहा, तवक्कलना अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल किए, पुरानी वर्जन का डाउनलोड किए, लेटेस्ट वर्जन का डाउनलोड किए, फिर भी इम्यून शो नहीं कर रहा, इनका इशू पे भी मैंने बात किया, उनका कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अलग अलग टीम है जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट को रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद आपको मैसेज मिलता है, मैसेज देने के बाद वो फॉरवर्ड होता है तवक्कलना का टीम को, तो वो डिपेंड करता है तवक्कलना के टीम के ऊपर कि वो कब इम्यून अपडेट करते हैं आपका। तो इस पर भी वो कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप कुछ कर सकते, आपको सिर्फ इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना टाइम लगेगा, एक हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ता भी लग सकता है, सिर्फ आप दुआ करो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये उन्होंने क्लियर कहा। मैं उम्मीद करूँगा जितने भी लोगों का डाउट था वो सारा इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।